बैनुल अक्वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन के नायब सदर इब्राहिम कोपर ने बिलकिस बानो मामले में रद्देअमल जाहिर किया। यूएस सीआईआरएफ गुजरात फसादात के दौरान एक हामिला मुस्लिम खातून का रेप करने और मुसलमानों के कत्ल का इर्तिकाब करने वाले 11 मुजरिमों की गैर मुनसिफाना रिहाई की मजम्मत करता है। मुजरिमों की कबल वक्त रिहाई को इंसाफ का मजाक करार देते हुए यूएस सीआईआरएफ के कमिश्नर स्टीफन शरीक ने कहा कि मामला भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद करने वालों को सजा से बचाने के पैटर्न का हिस्सा है। स्टीफन ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि सन 2002 के गुजरात फसादात में जिस्मानी और जिंसी तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को जवाबदार ठहराने में नाकाम रहना इंसाफ का मजाक है। ये मामला भारत में मजहबी अकलियतों के साथ तशद्दुद करके सजा से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है।